गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है और हम लोग निकल रहे हैं आज दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि मेरे पापा की यानी कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो एक बार एडमिट भी हो चुके हैं, अभी उनको दोबारा एडमिट करना है। हम पहले ही चाह रहे थे लेकिन पापा बार बार मना कर देते हैं कि नहीं अभी मत आओ, लेकिन अभी हमारा जाना बनता है क्योंकि पापा बहुत सीरियस हैं। दिखाऊंगी मैं आपको अपनी जर्नी कि हम लोग कैसे जाते हैं, कितनी देर लगती है हमें जाने में, कितना लंबा रास्ता है, और ये सब दिखाऊंगी मैं। मैंने पैकिंग कर ली है, मेरी पैकिंग तो कल ही हो गई थी, तो आज बस खाना वाना पैक करना है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सब्जी बन चुकी है, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेथी की देसी घी में पूड़ियाँ, क्योंकि ये शाम तक चल जाएंगी अच्छे से। तो मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस मुझे पैक करना है। और गुन्नू के लिए कुछ बनाना है, तो मिलती हूँ मैं आपसे जब निकलेंगे तब। अब हम सब रेडी हैं निकलने के लिए, पूरे 24 घंटे लगने वाले हैं हमें पहुंचने में, तो पूरी जर्नी में आपको दिखाऊंगी कि हमें कितना टाइम लगता है पहुंचने में घर पर, तो चलो चलते हैं। तो बोल दो हेलो। अरे वाह, और यहाँ हमारा सामान भी, पांच रेडी हो चुका है। पांच बैग, और यहाँ पर ये लोग भी तैयार हो चुके हैं। गुन्नू कहाँ जा रहे हो? गुन्नू कहाँ जा रहे हो? दादी के घर। हाँ दादी के घर जा रहे हो? गुन्नू तो भूल भी गया होगा ना, भूल गए आप? दादी की शक्ल याद है आपको? डेली बात तो करता है वीडियो कॉल पर, शक्ल याद है आपको दादी की? पहचान लोगे दादी को? गुन्नू बताओ, दादी को पहचान लोगे? हाँ, नहीं पहचान पाओगे? वीहू तो बहुत एक्साइटेड है ना वीहू? ट्रेन में बैठने के लिए एक्साइटेड है या घर जाने के लिए? अरे दादू की तबीयत खराब है, दादू के लिए क्या कहना चाहोगे? दादू देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, है ना गुन्नू? आप भी बोल दो, दादू गेट वेल सून। मैं दादू को ना पर्स दूंगा, पर्स ओके पर्स ओके, और मैं इसको तो पर्स बोलने मैं दो, दादी इसको दूंगा, तो बोलने दे। दादी गुन्नू बोलो, दादू गेट वेल सून। हाँ बोलो 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 दादी बोलो। दादी दादी मंकी है ये, मंकी। दादी। हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, अब हम लोग निकल चुके हैं मनेंद्रगढ़ के लिए, क्योंकि वहाँ से हमें एक सर मिलने वाले हैं, फिर हम लोग उनके साथ जाएंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अब हम मनेंद्रगढ़ पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पर हम सर का वेट करेंगे, यहाँ से हम सर के साथ गाड़ी शेयर करेंगे, क्योंकि हमें जाना है कहाँ जाना है हमें यार? हाँ हमें जाना है अनूपपुर, तो बहुत लंबा रास्ता है, बैंड बजने वाली है गाड़ी में। हम लोग कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का वेट, वो सर अभी आए नहीं है, उनको टाइम लगने वाला है। ये मेरा बुकश हो गया, बुकश हो गया। यहाँ से घर जाना और घर से यहाँ वापस आना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, चलो रखो सामान। नमस्ते मैम, कर नमस्ते। बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठ। सैंडल पहनो। 4:30 बज चुके हैं और हम लोग अब पहुंचे हैं जाकर अनूपपुर। अनूपपुर से हमें मिलने वाली है डायरेक्ट ट्रेन जो हमें दिल्ली तक पहुंचाएगी। शाम का टाइम हो चुका है और हमें हल्की फुल्की भूख भी लगना स्टार्ट हो गई है, और बहुत थक भी चुके हैं हम लोग, क्योंकि इतनी सी जगह में बैठ कर आए हैं हम लोग, पैरों में दर्द भी होने लग गया है। और यहाँ पर सर और ये मैम आंटी हैं, हमारा और मैम का डब्बा अलग अलग है, क्योंकि हमारी टिकट भी हमने अलग अलग ही करवाई थी। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रेस्ट, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। नहीं, और यहाँ पर मैम ने दी है छोटी सी ट्रीट, फ्रूटी और आइसक्रीम खिलाई सबको, मुझे भी। मैडम इधर देखिए, हाय कर दो, हाय। हाय कर दो बिट्टू। हाई के साथ साथ बाय करने का भी टाइम आ चुका था, क्योंकि हम लोगों के डब्बे अलग अलग थे, तो हम लोगों को साथ में नहीं बैठना था। और बहुत प्यारी आंटी जी थी, बहुत स्वीट सी थी। और यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, शाम का टाइम हो रहा है और हमें लग रही है भूख, तो हम लोग खाना खा लें फिर मिलते हैं आपसे। हाँ
कटनी में पहुंच चुके हैं और अब हो रही है हमारी सोने की तैयारी। सैनिटाइज करने के बाद हमने बिस्तर लगा लिया है और हम लोग लेट चुके हैं। गुनू देख रहा है व्यू को, हगीज पिना रहे थे तो डायपर पहनकर सो रहा था, कहीं सुसू कर दे और नीचे वाले भीग जाए इसलिए उसको डायपर पिना है, हमेशा ही पिनाना पड़ता है उसको। ट्रेन में नींद तो नहीं आती है लेकिन सोना तो पड़ेगा ही। चलो अब कल मिलते हैं, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग उठ चुके हैं और बल्लभगढ़ में पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में हमें उतरना है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ हम ट्रेन से निकल चुके हैं और अभी कुछ टाइम पहले आंटी और मैम लोग भी मिले थे, बहुत अच्छी आंटी थी, बहुत अच्छी मैम थी। बाय बाय मैम, मिस यू। एंड यहाँ पर हस्बैंड ओला बुक कर रहे हैं और देखते हैं कितनी देर में ओला आती है, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है, अब बस घर पहुंचना है जल्दी से और बस सोना है, क्योंकि ट्रेन में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ट्रेन में, हिलती है ना तो डर लगता है वहाँ पर सोने में। 3 बार ओला बुक कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई है हमें पिक करने, देखते हैं कैसे जाते हैं हम लोग। और हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। बार बार ओला बुक कर रहे हैं लेकिन ओला आए कि आने का नाम ही नहीं ले रही है, तो यहाँ पर फिर से ट्राई किया हस्बैंड ने, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया है कि चलो कुछ और देखते हैं, किसी और से चलते हैं, टैक्सी या ऑटो से, तो देखते हैं हम किससे जाते हैं। और यहाँ गुन्नू चेक कर रहा है कुछ खाने को मिल जाए तो, क्योंकि लिटरली हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और भूख भी लग रही है। और फिर हम लोग अब ऑटो से जाएंगे क्योंकि ओला है कि आने का नाम नहीं ले रही है, 1 घंटे हमने वेट कर लिया, तो अब हम ऑटो से जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली का ट्रैफिक देख लो, ये है सीरी फोर्ट रोड, सीरी फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और यही इसी वाले रोड पर आता है गार्गी कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज। ये गार्गी कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, ये पूरी उसी की बाउंड्री है, ये रेड कलर का गार्गी कॉलेज है और इसी के साइड में कमला नेहरू कॉलेज भी है। तो एक गेट ये है इसका और मेन गेट अभी आएगा, और ये आ गया मेन गेट गार्गी कॉलेज का। ये साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज में से एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, और ये है बस स्टैंड, और ये शुरू हो गया कमला नेहरू कॉलेज, ये है उसकी बाउंड्री, और ये है कमला नेहरू कॉलेज का मेन गेट, ये भी टॉप कॉलेज में से एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज। तो कमला नेहरू का हॉस्टल है, दोनों ही कॉलेज बहुत टॉप कॉलेज हैं, बहुत हाई कट ऑफ जाती है इसकी। और ये है वुमेन्स पॉलिटेक्निक जीजाबाई कॉलेज। ऑटो वाले भैया हमें पता नहीं कहाँ साउथ की तरफ घुमाए जा रहे थे और घर से बार बार कॉल आ रहे थे कि कब तक पहुँचोगे, कब तक पहुँचोगे, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे हम, क्योंकि उन्होंने हमें गलत रूट में फंसा दिया था। और ये है एयरफोर्स, ये मेरे घर वाला रूट है, और ये है एयरफोर्स की कैंटीन, और यहाँ मेरे घर के वहाँ पर बन रही है मेट्रो लाइन, तो उसी का काम चल रहा है यहाँ पर। और अब आने वाला है, ये है बत्रा हॉस्पिटल जो कि मेरे घर के पास है, और अब आ गया मेरे घर वाला स्टैंड, ये है हमारे वहाँ का बस स्टैंड हमदर्द नगर, ये है हमदर्द नगर। और यहाँ का क्राउड देख लो, बहुत क्राउड रहता है यहाँ भी। मेरा घर यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, और इस बस के पीछे जस्ट केवी स्कूल है जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, जो रेड बोर्ड दिखा था वो केबी स्कूल था। और ये है हमदर्द यूनिवर्सिटी, और ये है एयरफोर्स वायुसेना, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और लेफ्ट राइट में है थल सेना, वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये है मोहम्मद बिन तुगलक का तुगलकाबाद वाला किला, ये बहुत बड़ा है, और इसका मेन गेट बस आने वाला है, और ये है इसका मेन गेट। हम लोग अब सूरजकुंड वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली के ऑटो से निकल चुके हैं, अंकल को डर लग रहा है हरियाणा बॉर्डर में एंट्री करने में, तो यहाँ दूसरा ऑटो कराया अंकल ने, तो अब हम हरियाणा के ऑटो में बैठकर जाएंगे। थोड़ा सा गैप और इतने सारे रूल्स, अंकल सामान ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरे घर से मेरे ससुराल जाने में सिर्फ 30 या 35 मिनट्स लगते हैं, तो वी आर ऑन द वे। और ये है फरीदाबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज, मानव रचना कॉलेज, और ये है श्री सिद्धिदाता आश्रम जो कि मेरी फ्रेंड जाती है यहाँ पर अक्सर। मोटो आजा,
और ये है डूड्स एंड डॉल्स स्कूल जो कि मेरे घर के पीछे है। फाइनली अब हम घर पहुंचने वाले हैं विद इन 5 मिनट्स। एक साल ही हो गया शायद हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग घर आ रहे हैं, और वो भी इस टाइम इसलिए आए हैं क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। वो आजकल बीमार ही रह रहे हैं, बार बार बीमार हो जा रहे हैं। तो अब हम लोग अपने घर आ ही चुके हैं। ये है मेरा घर। हम लोग नहा लिए हैं, फ्रेश हो चुके हैं, और यहाँ जब गुन्नू घर में आया तो सबको देख देख कर बहुत रो रहा था। काफ़ी टाइम बाद अपनी दादी के पास गया पर रुका नहीं, क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और यहाँ इसको मिल गया एक टेडी बियर जो कि इसकी बुआ की बेटी है, और फिर तो ये खुश हो गया। कभी हग कर रहा है, कभी किस कर रहा है, कभी बस बहुत प्यार कर रहा था, बहुत खुश हो गया ये। बोलो ले लो। तो गाइज ये थी मेरी आज की जर्नी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। Let's go.